वेलकम व्यूअर्स, यू आर वॉचिंग प्रतिष्ठा पब्लिक स्कूल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर होस्ट मुकेश परमार प्रेजेंट विद अ न्यू टॉपिक। सो टुडे वी विल डिस्कस ऑन सम सेंटेंस यूजिंग हाउ लॉन्ग इट इज सिंस। हाउ टू मेक सेंटेंस यूजिंग हाउ लॉन्ग इट इज सिंस। हाउ लॉन्ग इट इज सिंस का यूज करते हुए सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। ओके, सो लेट वी चेक थ्रू द एग्जाम्पल्स। हम इनको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखें हाउ लॉन्ग इट इज सिंस। जब भी आता है तो हाउ लॉन्ग इट इज सिंस के बाद के जो सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट में बनाया जाएगा। ओके, रिमेंबर ऑलवेज वन थिंग कि ऑलवेज मेक सेंटेंस यूजिंग सिंपल पास्ट जस्ट लेटर हाउ लॉन्ग इट इज सिंस। ओके, व्हेन यू कम या व्हेन यू मेक सेंटेंस यूजिंग हाउ लॉन्ग इट इज सिंस ऑलवेज रिमेंबर दैट कि यू हैव टू मेक यूजिंग सिंपल पास्ट सेंटेंस। क्लियर? सो नाउ अभी आपको और अच्छे समझ में जाएगा। आपको मूवी देखे हुए कितना समय हो गया है, आपको मूवी देखे हुए कितना समय हो गया है, तो सबसे पहले तो हम क्या करें, ऐसे जब भी सेंटेंस आते हैं जिसमें हाउ लॉन्ग इट इज सिंस का यूज करके सेंटेंस बनाना होता है। ओके, सो नाउ इन केस पहले हम इस सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड कर लें। फर्स्ट डिवाइड द सेंटेंस विद ओके स्प्लिट इन टू पार्ट्स फॉर मे या फॉर चेंजिंग इट इन इंग्लिश यूजिंग हाउ लॉन्ग इट इज सिंस। सो नाउ आपको मूवी देखे हुए कितना समय हो गया है, क्योंकि ये कितना समय हो गया है इसका ही मतलब होता है हाउ लॉन्ग इट इज सिंस। तो जब भी सेंटेंस बनाए सिंपल हमें पता है कि हमें पीछे से ही सेंटेंस बनाना है, तो हाउ लॉन्ग इट इज सिंस इसको पहले ही लिख दें, हाउ लॉन्ग इट इज सिंस। अब हमारे सामने सिर्फ बचा इतना सा सेंटेंस, इसकी इंग्लिश बनानी है, देन व्हाट विल वी डू। सो वी विल मेक सेंटेंस यूजिंग सिंपल पास्ट इजी। आपको मूवी देखे हुए, आपको मीन्स यू, ओके यू वॉच मूवी, यू वॉच मूवी, ओके हाउ लॉन्ग इट इज सिंस। अब हाउ लॉन्ग इट इज सिंस को आप पहले यूज कर सकते हैं, ओके और बाद में भी यूज कर सकते हैं। सो यू कैन यूज हाउ लॉन्ग इट इज सिंस जस्ट बिफोर द सेंटेंस एंड लेटर और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ओके, एज योर कन्वीनियंस, आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग, आप अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। हाउ लॉन्ग इट इज सिंस, हाउ लॉन्ग इट इज सिंस यू वॉच मूवी। क्लियर? नाउ लुक एट सेकंड सेंटेंस। आपको रिश्वत लिए हुए कितना समय हो गया है, सो डिवाइड दिस सेंटेंस इनटू टू पार्ट्स एंड ओके बिकॉज फॉर मेकिंग इन इंग्लिश इफ यू डिवाइड द सेंटेंस इनटू पार्ट्स इट वुड बी इजी टू मेक इंग्लिश ट्रांसलेशन। कितना समय हो गया है, हाउ लॉन्ग इट इज सिंस, हाउ लॉन्ग इट इज सिंस यू ओके यू ब्राइब्ड, ओके यू ब्राइब्ड, ब्राइब मीन्स रिश्वत लेना, हाउ लॉन्ग इट इज सिंस यू ब्राइब्ड। संबंध भी बोल सकते हैं आपको किसी से, आपको किसी से रिश्वत लिए हुए कितना समय हो गया है, आपको किसी से रिश्वत लिए हुए कितना समय हो गया है, हाउ लॉन्ग इट इज सिंस यू ब्राइड समवन। क्लियर? नाउ थर्ड सेंटेंस, आपको इंजेक्शन लगवाए हुए कितना समय हो गया है, तो हाउ लॉन्ग इट इज सिंस, हाउ लॉन्ग इट इज सिंस यू गॉट इंजेक्शन। ओके, हाउ लॉन्ग इट इज सिंस यू गॉट इंजेक्शन, आपको इंजेक्शन लगवाए हुए कितना समय हो गया है। क्लियर? तो इस तरीके से हम जितने भी सेंटेंस होते हैं सबको बना लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेक्स्ट सेंटेंस है आपको माँ से प्यारी बातें कर किए प्यारी बातें सुने हुए कितना समय हो गया है, आपको माँ से प्यारी बातें सुने हुए कितना समय हो गया है। क्लियर? तो कैसे बनाएंगे, बोल हाउ लॉन्ग इट इज सिंस, हाउ लॉन्ग इट इज सिंस यू लिशन, ओके प्यारी बातें, प्यारी बातें को बोलते हैं ल्यूबेबली, ल्यूबेबली, ओके हाउ लॉन्ग इट इज सिंस ल्यूबेबली। क्लियर? हाउ लॉन्ग इट इज सिंस यू लिशन यू ओके ल्यूबेबली फ्रॉम योर मदर, फ्रॉम योर मदर या फ्रॉम मदर। क्लियर? हाउ लॉन्ग इट इज सिंस यू लिशन ल्यूबेबली फ्रॉम योर मदर, ओके यू बेबली फ्रॉम योर मदर। क्लियर? नेक्स्ट
आपको दोस्तों के साथ होप स्कॉच खेले हुए कितना समय हो गया है? आपको दोस्तों के साथ होप स्कॉच खेले हुए कितना समय हो गया है? क्लियर? सो नाउ लुक हियर, हाउ लॉन्ग इट इज सिंस यू प्लेड होप स्कॉच विथ फ्रेंड्स? हाउ लॉन्ग इट इज सिंस यू प्लेड हॉपस्कॉच विथ फ्रेंड्स? क्लियर? नाउ सरकार को पेट्रोल की कीमत बढ़ाए हुए कितना समय हो गया है? सो हाउ लॉन्ग इट इज सिंस गवर्नमेंट इंक्रीज प्राइस ऑफ पेट्रोल? हाउ लॉन्ग इट इज सिंस गवर्नमेंट बढ़ाने को क्या बोलेंगे इंक्रीज प्राइस ऑफ पेट्रोल। ओके, नाउ तुम्हें शिकायत किए हुए कितना समय हो गया है? तो हाउ लॉन्ग इट इज सिंस यू बुक्ड कंप्लेंट। ओके, यहां पर शिकायत करना मतलब आपने शिकायत की है, तो शिकायत को बुक किए हुए, बुक्ड कंप्लेंट। ओके, हाउ लॉन्ग इट इज सिंस यू बुक्ड कंप्लेंट या यू बुक्ड योर कंप्लेंट? ओके, नाउ तुम्हें पेट्रोल भरवाए हुए कितना समय हो गया है? ओके, तुम्हें पेट्रोल भरवाए हुए कितना समय हो गया है? ओके, सो हाउ लॉन्ग इट इज सिंस कितना समय हो गया है, इसके लिए तो आप ये वर्ड अच्छे से लर्न कर लें, हाउ लॉन्ग इट इज सिंस, बस इसको तो पूरा क्रेम कर लें, और क्रेम करने के बाद बाकी सेंटेंस हमें सिंपल पास्ट में बनाना है। हाउ लॉन्ग इट इज सिंस, ओके, यू अब भरवाए हुए, आपने भरा नहीं, भरवाया है, इसलिए काम किसी और ने किया है, तो आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव वर्ब लेनी पड़ेगी, गोट। ओके, यू गोट द पेट्रोल फिल्ड, यू गोट पेट्रोल फिल्ड। ओके, हाउ लॉन्ग इट इज सिंस यू गोट पेट्रोल फिल्ड, पेट्रोल फिल्ड। अगर आप ऐसा लिखते हैं यू फिल्ड पेट्रोल, तो भरे हुए, जबकि हम यहाँ बोल रहे हैं भरवाए हुए, तो यहाँ पर आपको गोट लिखना है, यू गोट द पेट्रोल फिल्ड। उस मेन वर्ब और उस ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब और कजेटिव वर्ब के बीच में हमें ऑब्जेक्ट को लिखना है। क्लियर है ना? तो हाउ लॉन्ग इट इज सिंस यू गोट फिल्ड पेट्रोल। क्लियर? कितने समय से तुम्हारे पापा ने तुम्हें पैसे नहीं दिए हैं? ओके, कितने समय से, अब कितने समय से आगे आ गया, तो वही हाउ लॉन्ग इट इज सिंस तुम्हारे पापा, यूर फादर डिड नॉट, ओके, गिव यू मनी। हाउ लॉन्ग इट इज सिंस योर फादर डिड नॉट गिव यू मनी। क्लियर? कितने समय से तुमने तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाया है? तो हाउ लॉन्ग इट इज सिंस यू डिड नॉट सेलिब्रेट योर बर्थडे। क्लियर? सिंपल पास्ट के सेंटेंस हमने प्रीवियस टॉपिक में बनाए हैं, प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हमने सिंपल पास्ट कैसे बनाया है वो देखा है, तो बस आपको उस वीडियो को देखकर सिंपल पास्ट को सीख लेंगे, बस उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हाउ लॉन्ग इट इज सिंस का मतलब होता है कितना समय हो गया है, इसके बाद का जो सेंटेंस है वो आपको सिंपल पास्ट में बनाना है। क्लियर? ओके, सो नाउ थ्रू द वे यू कैन मेक सेंटेंस यूजिंग हाउ लॉन्ग इट इज सिंस। ओके, जस्ट द थिंग विच यू विल रिमेंबर फॉर फॉर एवर, दैट इज कि आफ्टर हाउ लॉन्ग इट इज सिंस यू विल मेक सेंटेंस इन सिंपल पास्ट। क्लियर? ओके, सो यूजिंग सिंपल पास्ट यू कैन मेक सो मेनी सेंटेंस यूजिंग हाउ लॉन्ग इट इज सिंस। ओके, सो आई एम श्योर यू विल एंजॉय द वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट अगेन विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन थैंक यू।